खनन माफिया के खिलाफ जिलाधिकारी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। कांग्रेस यूथ के जिला कोऑर्डिनेटर अतुल तिवारी एवं भतोड़ी सेवा समिति के अध्यक्ष सतीश तिवारी ने जिलाधिकारी इलाहाबाद सुहास एलवाई को दर्जनों की संख्या में चल रहे अवैध क्रेशर प्लांटों के खिलाफ दिया ज्ञापन। आपको बताते चले कि तहसील मेजा के ग्राम सभा भटोती में क्रेशर प्लांटों द्वारा बरती जा रही अनियमितता के खिलाफ दिए गए ज्ञापन के संदर्भ में जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने जब पूछा तो उन्होंने कड़े शब्दों में खनन नीतियों के विपरीत कार्य करने वाले खनन माफियाओं के खिलाफ उचित कार्यवाही के आश्वासन देते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देने की बात कही और इस विषय पर न्यायिक जांच कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही तथा इलाहाबाद व्यापार मंडल की तरफ से भेजे जा रहे केरला बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पर जिलाधिकारी ने व्यापार मंडल के लोगों को आभार व्यक्त किया। के बारे में पूर्व में भी FIR हुई है और जहां भी अवैध खनन होता है ऑलरेडी उसमें SDM और CO की टीम है और थानाध्यक्ष को भी निर्देश किया गया है, खनन विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई करेंगे। जो दर्द वहाँ है उस पर कुछ हद तक मरहम हम लोग लगा पाएंगे जी। सर, मेजा तहसील मेजा में जो अवैध खनन किए जा रहे हैं ग्राम सभा भटौती में सर, जिसके संदर्भ में अभी आपको ज्ञापन भी दिया गया है सर, तो उसके संदर्भ में क्या कहेंगे सर? व्यापार मंडल, सिविल लाइन्स व्यापार मंडल, यहाँ के सब लोगों को, यहाँ के सिविल डिफेंस के लोगों को, यहाँ के जितने भी संभ्रांत नागरिक हैं, होटल एसोसिएशन है, केमिस्ट एसोसिएशन है, यहाँ के NGOs हैं और जो भी अवैध खनन करेंगे उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी बहुत सारे कार्रवाई की गई है और जहाँ भी होगी तो आप लोग स्पेसिफिक शिकायत संज्ञान में लाइएगा। बाढ़ पीड़ितों के लिए सर जो राशन सामग्री भेजा जा रहा है सर, क्या कहना सर, कुछ कहेंगे? मैं इलाहाबाद जनपद के नगर वासियों को, जनपद वासियों को बधाई देता हूँ। यहाँ के व्यापार मंडल SDM मेजा जय रिभा जब तक थी तो उस पर जो है भू ये खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई मतलब किया गया था, उसके बाद जो है ये भू खनन विभाग के जो हैं माफिया ये फिर से सक्रिय हो गए हैं। तो सक्रिय कोई किसी भी माफिया जिस प्रकार से अवैध खनन कर रहे हैं या कोई भी ऐसा भू माफिया हो जो सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहा हो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी और हम लोगों को उम्मीद भी है कि अगर जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है तो उस पर उचित कार्रवाई जरूर होगी। जिलाधिकारी को अभी अभी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है भू माफिया जो अवैध खनन किया जा रहा है ग्राम सभा भटौती में, तो क्या आश्वासन मिला है आपको अभी? आश्वासन हम लोगों को माननीय जिलाधिकारी जी ने दिया है कि जो भी। इलाहाबाद से ये थी राजीव की रिपोर्ट।